गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम कौटिल्य पंडित और आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरी हुई है। आपने ये तो सोचा होगा कि हम कहाँ रहते हैं। जब आप छोटे थे तो आपने सोचा, ओके दिस इज माई हाउस, आई लिव इन माई हाउस विद मम्मा पापा दीदी भैया एंड ऑल। देन यू मस्ट हैव थॉट कि ओके दिस हाउस के इस घर के अलावा और सारे घर हैं पास में, सो दिस इज़ माई नेबरहुड एंड आई लिव इन माई नेबरहुड। मैं अपने मोहल्ले के अंदर मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे रहता हूँ। फिर आपने देखा होगा, अरे नहीं, यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं और हमारा तो एक पूरा शहर है या गाँव है। फिर आपने सोचा होगा, ओके आई डोंट लिव इन अ नेबरहुड, आई लिव इन अ सिटी और विलेज। फिर आपने सोचा होगा, नो डिस्ट्रिक्ट, नो स्टेट, नो कंट्री, अरे नहीं, मैं तो इस पूरी ये पूरा अर्थ जो है इट इज़ माई हाउस। फिर आप अगर आगे पढ़ते तो आपने सुना, ओ नो, अर्थ तो कुछ भी नहीं है, देर इज सोलर सिस्टम। फिर आपने सोचा होगा, अरे नहीं, सोलर सिस्टम इज़ तो जस्ट अ सिस्टम, इट्स जस्ट अ स्टार सिस्टम, बट देर आर अ गैलेक्सीज। फिर आपने सोचा होगा, अरे नहीं, देर आर क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, एंड इट कम्स देर इज द होल यूनिवर्स। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्स कैसा है, यूनिवर्स की शेप कैसी है और यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है। अकॉर्डिंग टू एडविन हबल, अकॉर्डिंग टू सर एडविन हबल, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा था कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, मतलब वो अभी एक जगह से, ऐसा नहीं, यूनिवर्स इज़ नॉट अ बॉक्स कि बॉक्स है और इसके अंदर सारी सारी चीज़ें होती रहती हैं। असलियत में जो यूनिवर्स है वो एक एक्सपैंड कर रहा है, मतलब आप सोचिए कि बिग बैंग के बाद से एक ऐसी फोर्स है जो उसको बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, और एक इरेगुलर शेप के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ऐसे अपने यूनिवर्स को इमेजिन कर सकते हैं। वॉट एक्चुअली इज़ द टाइम लाइन ऑफ द यूनिवर्स? यूनिवर्स की जो टाइम लाइन है, कई थियोरीज के अकॉर्डिंग, इट इज़ द फर्स्ट थियोरी इज़ द थियोरी ऑफ बिग बैंग एंड बिग क्रंच। बिग क्रंच का बिग फ्रीज भी कह सकते हैं, या इसके कई नाम हैं। तो बिग क्रंच एक्चुअली में क्या है, एक थियोरी है कि जैसे बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से यूनिवर्स बड़ा बड़ा बड़ा, फिर एक टाइम आएगा मीडियम टाइम, उसके बाद क्या होगा, यूनिवर्स घटना शुरू हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हैं, एक बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो एडल्ट हो जाता है, फिर वो बूढ़ा होकर मर जाता है और उसका कुछ नहीं बचता। तो शुरू में भी इट वाज लाइक अ स्मॉल पार्टिकल एंड इट एंड्स इन अ स्मॉल पार्टिकल। तो आप ऐसे उसको सोच सकते हैं। फिर एक थियरी है कि चलो बिग बैंग हो गया, लेकिन अब जो यूनिवर्स है वो एक टाइम के बाद एक्सपैंड करना बंद कर जाता है, लेकिन उसका कोई नहीं बिगड़ता और वो फिर एक्सपैंड करना उसने बंद कर दिया, हाँ, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। एक और ऐसी थ्योरी है कि वो एक्सपैंड करते रहते एंड इट नेवर स्टॉप्स। ऑल ऑफ दीज थियोरीज आर द थियोरीज, लेकिन जो इसमें बिग फ्रीज या बिग क्रंच वाली थियोरी, दैट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ कि यूनिवर्स एक्चुअली में कैसा है, तो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के हिसाब से इट वॉज लाइक अ ज्योमेट्री। जैसे आप ज्योमेट्री के अंदर देखते हैं, अगर अब हमारे एक 3D एक्सेस हो और उस 3D प्लेन, यूनिवर्स इज मोर लाइक अ 3D प्लेन अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन एंड द वेरियस एंड द क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन आइंस्टाइन ने असलियत में यूनिवर्स को एक स्पेस टाइम रिलेशन से बांधा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, और फिर ग्रेविटी के उसके अंदर मिला के बाद में जो उनकी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसे कर्व्ड स्पेस टाइम के अंदर उसको उन्होंने सोचा था। सो दैट इज़ एक्चुअली हाउ द यूनिवर्स इज, एंड थिंक अबाउट इट, इफ़ यू थिंक मोर यू विल गेट मोर, एंड अंटिल देन बाय फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, अंटिल देन साइनिंग ऑफ, हियर इट्स मी कौटिल्या।